हेलो एंड वेलकम टू अपोजी क्लासेस। ठीक है, तो आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग सेशन में जो है तो वो तो है ही है। बाकी जो लोग यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब वालों के लिए बताते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट टाइम पे हम लोग पावर तक पढ़ लिया था, है ना। पावर के आगे पढ़ना था, तो पढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं। देखो, अगर आप लोग ये चाहते हो कि इस तरह की रिकॉर्डिंग सेशन पे पढ़ना हमारे साथ में, तो आपको टीचमेंट में जुड़ना पड़ेगा। टीचमेंट में जुड़ने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पे जाइए और वहां पे जाके इनरोल करिए। वहां पे जाके मेरे को भेजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इनरोल करना है। और या फिर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर इसके बाद आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप में ऐड होने के बाद फिर वहां पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग यहाँ पे आके लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ठीक, तो जहाँ तक ये बात करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो इस चैप्टर में वर्क पावर एंड एनर्जी, इसमें काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम लोगों को क्या शुरू करना है, आज शुरू करना है क्या, पावर आवर के बारे में पढ़ लिया था, यूनिट ऑफ पावर बता दिया था, है ना। क्यों बताओ सूरज, वन वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने वॉट होते हैं, जल्दी बोलो। वन हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 1 HP इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स। सूरज, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हारे तक, सो गए। हंस बता बेटा, आप बहुत अच्छे हैं। पूरा देख के, कॉपी से खोल के, बुक से खोल के, तब देख के बताएंगे कि 746 वॉट होता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देखो, है ना, अब माइक ऑफ करो महाराज। इधर देखो, अगली बात अगर हम बताते हैं, ठीक, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे एक फॉर्मूला प्रूफ कराया था, है ना। फॉर्मूला क्या प्रूफ कराया था, मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला हम लोग पावर का ये तो जानते ही हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T, वेयर W इज वर्क एंड T इज टाइम, यानी जहां क्या है, W क्या है कार्य है और T क्या है समय है, ये बात तो बता दी थी। इसी की हेल्प से एक फॉर्मूला निकलवाया था। क्या निकलवाया था, देखो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग ये भी पढ़े, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस अपॉन टी, यानी एस बाई टी इज इक्वल टू को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यानी हम लोगों ने एक फॉर्मूला फोर्स का ये पढ़ा है, मतलब पावर का ये पढ़ा है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक, अब अगर इसके एसआई यूनिट्स की बात करें, एसआई यूनिट, टीजीएस यूनिट, तो भाई इतनी सारी चीजें जितनी भी दे रखी है ना, वो लगभग लगभग आपको सारी आती हैं। कैसे आती हैं, देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 वॉट कितना होता है, वॉट इज 1 वॉट, तो 1 वॉट क्या बताओगे आप, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितने, एक सेकंड में अगर हम कितना वर्क करें कि वो 1 जूल के बराबर हो, है ना, तो उसी को क्या बोल देंगे, 1 वॉट। कैसे, देखो अगर हम कहें कि ये पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी लिखा है, ठीक, इस पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी में पी बराबर क्या पुट कर दें, सॉरी, डब्ल्यू बराबर क्या पुट कर दें, 1 वॉट, क्या पुट कर दें, 1 वॉट, और टी बराबर क्या कर दें, 1 सेकेंड। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में वन वन वो कर दो जूल, यार सॉरी, 1 जूल कर दो, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क जो करते हैं उसे ही क्या बोल देते हैं, 1 वॉट बोल देते हैं। बात समझ में आया, या 1 जूल वर्क कर, अगर पर यूनिट टाइम में हम अगर 1 जूल वर्क करते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, वो भी 1 यूनिट, है ना। या फिर इसको अंग्रेजी की शुद्ध भाषा में अगर आप कॉपी में लिखना चाहें एग्जाम टाइम पे, तो कैसे लिख सकते हैं, सुनिए। इफ अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, इफ अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर स्पेंड इज सेड टू बी 1 वॉट। बात समझ में आ गई, तो ये इसको अंग्रेजी भाषा में लिखना है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमको इसकी यूनिट की, मैंने कल बताया था कि पावर की यूनिट क्या होती है, तो एक यूनिट होती है जूल पर सेकेंड होती है। अब जूल पर सेकेंड को सीजीएस में चेंज करो, है ना, तो अर्ग में आ जाएगा, और ये मैंने बता रखा है 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग, तो वो सारी कथा आप लोग जानते हो, है ना। वो सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, किलो हेक्टो डेका, ये जो
ये वाली टेबल थी, इससे माइक्रो को मिली बदलना, मिली को माइक्रो बदलना, वही तरीके करके बार बार दिखाई गई है ना। तो सीजी और सर एसआई में यूनिट याद रखनी है। फिर भी अगर आप ये चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कि बिटवीन द एसआई यूनिट एंड सीजी यूनिट में रिलेशन, तो एक रिलेशन याद कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस। भाई ये पावर के लिए है, ये किसके लिए है, पावर के लिए, ठीक है। ये तो मैं रटना पड़ेगा, कैसे रटना पड़ेगा, वन जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू कह सकते हैं 10 की पावर 7 अर्ग 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। बात समझ में आया, 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन क्या करनी पड़ेगी, इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। हम कहोगे याद कैसे करें, तो भाई याद करना आपने पहले ही जाना है, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 बस। अवार्ड की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, तो दोनों के नीचे खाली क्या लगाना है, सेकेंड लगाना है, बात खत्म। लिखी तो असल में क्या है, लिखी तो ये जूल की यूनिट है ना, क्लियर, ठीक है। इसके आगे शुरू, इसके आगे तुम्हारे में एक टॉपिक दे रखा है, वर्क और पावर में डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर वर्क एंड पावर में क्या डिफरेंस होता है ना। तो देखो वर्क एंड पावर में डिफरेंस क्या होता है ना। तो भाई मुझे कोई वर्क की डेफिनेशन बताएगा तुम में से कोई महानुभाव, बताओ। अब पहले छांटेंगे किताब से, खोजेंगे, फिर बताएंगे। अरे अपने मन से बताओ महाराज, ठीक है। सिंपल सा बताओ ना, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वर्क। बात समझ में, वर्क के बारे में ये हो गया। पावर के बारे में मैंने क्या बताया, पर यूनिट टाइम पे जितना, या द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन टाइम, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पर सेकंड में जो किया गया कार्य होगा, वर्क डन इन पर सेकंड इज नोन एज पावर। तो दोनों की दो अलग अलग बातें हो गई, वर्क अलग चीज हो गई और पावर अलग चीज हो गई। एक में वर्क हो रहा है, एक में क्या कर रहे हैं, एक में एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्क को, वर्क होता क्या है ना, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट को, और एक में पावर को, कि वर्क जो हुआ है ना, ये जो हुआ है वो पर यूनिट टाइम पे कितना हुआ, उसकी रेट कितनी है, वर्क होने की रेट कितनी है, ये रेट ही क्या हो जाती है, पावर। तो दोनों ऐसे ही अलग अलग बातें दिख रही है। दूसरा, वर्क डज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। अब वर्क जो होता है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, टाइम हो चाहे ना हो हमको क्या, वर्क तो होगा ही होगा ना। लेकिन पावर क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है, अगर टाइम को मेजर नहीं करोगे तो वर्क को हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। बात समझ में आया, क्लियर। अब दोनों की एसआई यूनिट बता दो, एक में पहले पॉइंट में क्या बताओगे, पहले पॉइंट में डेफिनेशन बताओगे दोनों की डेफिनेशन बताओगे, दूसरे पॉइंट में क्या बताओगे, दूसरे टाइम में बताओगे टाइम डिपेंडेंट और नॉट, क्या बताओगे, टाइम डिपेंडेंट और नॉट। तो ये क्या है, ये टाइम नॉट डिपेंडेंट है ना, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, और ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। बात समझ में आया, और क्या बता सकते हो, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है जूल, क्या होता है जूल, और इसका क्या होता है वॉट, ठीक। अब दोनों के, अब कुछ लोग और पॉइंट बढ़ाना चाहेंगे, इसका लिखो सीजीएस यूनिट, उसका लिखो सीजीएस यूनिट, ठीक है। बात समझ में आया, तो ये सारी चीजें आप लिख दो और आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पेपर में, 2 नंबर में पूछेगा डिफरेंस, आप लोगों के एग्जाम में पूछना होगा तो, और ज्यादातर ये जो होम एग्जाम होंगे ना उनमें दिखेगा, इन होम एग्जामिनेशन में कुछ नहीं मिलेगा तो यही उठा के पूछ देंगे, समझ गए। अगला है एनर्जी एज अ, अब अगली चीज आती है अगला टॉपिक, तो मतलब आपने जहां तक वर्क के बारे में जाना था, पावर के बारे में जाना था, जान लिया है ना। इस चैप्टर का नाम ही था वर्क एनर्जी एंड, क्या था, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम लोग वर्क पढ़ चुके हैं, अब पावर पढ़ चुके हैं, अब किसकी बात करते हैं, एनर्जी की बातें करेंगे, और एनर्जी की बात करने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, एनर्जी को ही एक्सप्लेन करना, और ज्यादातर इसमें पूरा पोर्शन क्या है,
थियोरिटिकल पोर्शन है, मतलब कुल मिला के बस ये समझाया गया व्हाट इज एनर्जी और एनर्जी कितने फॉर्म होते हैं, समझ गए, उन्हें निकालना कैसे है, कितनी होती है, उनकी मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में ज्यादा आपको नॉलेज नहीं दी गई है। मुश्किल से दो प्रकार की एनर्जी की नॉलेज दी गई है, वो है तुम्हारी कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिन्हें आप लोगों को निकालना भी है और उनके फॉर्मूले भी यूज करने हैं, समझ गए, बाकी और किसी भी चीज की कोई भी नॉलेज नहीं दी गई है। ठीक, बस इतना है कि हाँ क्या होती है, बस बताना है, इन द फॉर्म ऑफ बताना है, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया सब कुछ, हाँ ना में जवाब दो भाई जल्दी से। अच्छा, तो जितना भी पिछला चैप्टर पढ़ा रखा है उसे समझ में आ ही गया है ना, ठीक है, चलो बढ़िया है, समझ में आ गया है। तो आगे शुरू करें एनर्जी के बारे में, व्हाट इज एनर्जी। तो चलो शुरू करते हैं। एनर्जी है ना, एनर्जी एज अ वर्क डन, इसमें क्या बताया गया है, तुम्हारे टॉपिक में लिख के रखा है एनर्जी एज अ वर्क डन, समझ रहे हो, मतलब अब देखो ध्यान समझे लाइन क्या कह रही है, एनर्जी की बात कर रही है और उसके बगल में क्या लिखा है, एनर्जी एज अ वर्क डन। एज अ वर्क डन का मतलब क्या हुआ, एज अ वर्क डन मतलब है कि विद रिफरेंस टू वर्क, ऐसा कह सकते हैं कि जितना काम हुआ उसके रिफरेंस में एनर्जी बतानी है, ऐसे कुछ भी एनर्जी के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि एनर्जी के बारे में देखा जाए तो भाई एनर्जी तो बहुत तरह की दिख रही है हमको, है ना, एक बोलने में एनर्जी हो, एक खर्च हो रही है, ये एक एनर्जी हो गई, सूरज के पास अपनी एनर्जी है, अर्थ के पास अपनी एनर्जी है, हर चीज के पास विंड एनर्जी अलग है, तो एनर्जी व्हाट, एनर्जी किस सेंस में, एनर्जी का कोई एक बेसिक सेंस होना चाहिए ना बात करने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी बात करते चले जा रहे हैं, इतनी सारी बातें हो जाएंगी एनर्जी के बारे में, कोई इसका मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ हमारे पास बात करने के लिए एक लिमिटेड वैल्यू दे रखी है कि एनर्जी एज अ वर्क डन। वर्क डन मतलब, अब वर्क डन को पढ़ क्या है, वर्क डन कब होगा, वर्क डन तभी होगा जब फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ये जब दो चीजें होंगी तभी वर्क डन लगेगा और तभी जो एनर्जी निकल के आएगी ना उसी चीज से, उसी के बारे में स्टडी करना है, वर्क डन की वजह से ही जो बनने वाली एनर्जी होगी, या तो वर्क डन हो रहा हो, हुआ हो, या वर्क डन होगा अभी, है ना, तो उन उसी चीज पे डिपेंडेंट हम बात करेंगे एनर्जी की। ठीक, अब देखो एनर्जी क्या होती है, ठीक, एनर्जी की इन्होंने एक लाइन में डेफिनेशन दे रखी है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि कोई भी वर्क करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए जो भी बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है उसे ही क्या बोल देते हैं, एनर्जी। बात समझ में आया, देखो मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था क्या, कि आप लोगों को किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है, क्या लगाना है, फोर्स लगाना है, तो फोर्स लगाने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, जब आप एनर्जी लगा के फोर्स लगाओगे तो वर्क डन होगा, उस वर्क डन की वजह से क्या निकल के आएगा, फोर्स आपको वो दिखाई देगा, वो फोर्स किस फॉर्म में दिखाई देगा, या तो मोशन के फॉर्म में दिखाई देगा या शेप ऑफ चेंज के फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन हम लोग पढ़ कैसे रहे, हम लोग उल्टा चल रहे हैं, पहले पढ़ा मोशन क्या होता है या शेप ऑफ चेंज क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, फिर वर्क पढ़ा, फिर पावर पढ़ा, फिर क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी पढ़ रहे हैं, पढ़ उल्टा रहे हैं। प्रैक्टिकल कैसा होता है, सीधा होता है, समझ में आया। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास में ये एक पेन है, इस पेन को आपको क्या करना है, तोड़ना है, तो इस पेन को आप तभी तोड़ पाओगे जब आपके हाथ में एनर्जी होगी, समझ रहे हो। एक दुर्बल आदमी जिसके पास कोई भी ताकत नहीं है, बेड पे पड़ा हुआ बेचारा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ना, उससे कहते भाई तोड़ दे इसको, वो क्या करेगा, अगर उठ तो रहा नहीं मेरे से, मैं तोड़ू कैसे, क्यों, उसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इसको उठा भी सके, तो इसको तोड़ेगा कैसे, समझ रहे हो। लेकिन आप तोड़ दोगे, आप क्या करोगे, तोड़ दोगे, तो आपको तोड़ने के लिए पहले एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी, अब देखो ये एनर्जी आई कहाँ से, जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लगाओगे वही वर्क डन है, बात समझ में, वही क्या है, वर्क डन है। और उस वर्क डन का इफेक्ट क्या है, उस वर्क डन का इफेक्ट जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, या तो बॉडी के शेप में चेंज होगा या बॉडी की पोजिशन में चेंज होगा, तो फोर्स लगा होगा, समझ रहे हो, तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है वर्क डन करने की, यानी हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई बॉडी है तो ये कितना वर्क कर सकती है, हम ये निकालना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि हमें अगर ये पता चल जाए कि कैपेसिटी वर्क करने की इतनी ही है,
तो हम भाई उससे उतना ही काम लेंगे ना, अगर हमें पता ही नहीं होगा इसकी कैपेसिटी कितनी है और इससे काम लिए जा रहे हैं, काम लिए जा रहे हैं, बॉडी का ही काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपको यही ना पता होगी आपका फोन कितनी देर चल सकता है, 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा, आप बस उससे काम लिए जा रहे हो, 24 घंटा देखे जा रहे हो, स्लोवर किए जा रहे हो, लेकिन थक जाएगा, बात खत्म, समझ रहे हो। तो हर चीज की क्या है, अपनी अपनी कैपेसिटी, तो वो कैपेसिटी क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो एक सिंगल लाइन में लिख लीजिएगा, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, समझ गए, है ना। अब अगर आप में से एक चीज पूछता हूं मैं, क्या कि एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। देखो एक बात अभी दिमाग में बैठा लो कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन। अगर आपने वर्क डन निकाल लिया किसी बॉडी में तो मतलब आपने उसकी एनर्जी भी क्या की, निकाल ली, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि एनर्जी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर, कोई बता सकता है, और है तो क्यों। तीन महारथियों में से कोई बता सकता है, किताबें खोल के मत देखो, खुद से बताओ, किताबों में क्यों नहीं लिखाया। अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, स्केलर है, उत्कर्ष से कमेंट आ गया, स्केलर है। बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया, बताइए आप लोग, बताएंगे सर, सूरज आप ही की एनर्जी पूछ रहे हैं, क्या है। हाँ भैया नहीं, क्या है बताइए, क्यों होगी भैया, भैया पता नहीं। अरे भाई थोड़ा दिमाग तो लगाओ, अगर है तो लगा लो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। स्केलर ही होगी भाई, ये हमको भी पता है, आप भी कहोगे स्केलर ही होगी, ठीक है, बट स्केलर क्यों होगी। देखो थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचा करो, लॉजिकल होके क्या, मैंने यहाँ क्या लिखा है, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, तो जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी, जो वर्क के बारे में सब कुछ होगा वही उसके बारे में सब कुछ होगा, कोई अलग से फॉर्मूला डिराइव किया नहीं किया। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर। अगर वर्क स्केलर है, है ना, वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी कैसी होगी, स्केलर ही होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो थोड़ा पहले सोचा करो फिर आंसर देने का ट्राई किया करो, ये मत कहा करो पता नहीं, ट्राई तो करो, गलत से ज्यादा कुछ बोलोगे क्या है, ऐसा तो है नहीं कि तुमको फिर पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे तुमने गलत बता दिया तो, ठीक है, समझ रहे हो। तो बोलो, आंसर दो, आंसर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो एनर्जी के बारे में इतनी बातें, बेसिक बात समझ में आ गई है ना। अब मेरे को तुम लोग ये बता दो, सिंपल सी बात है कि एनर्जी जो है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, है ना। अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं, किसकी, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। अगर हम यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, मुझे लग रहा है सबको पता होगी, वर्क की यूनिट पता है, जूल, तो इसकी भी क्या होगी, जूल। बात समझ में आया, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, एसआई यूनिट, ठीक। अब हमको ये भी पता है एक जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10^7 अर्ग, समझ गए। तो ये इसकी कौन सी यूनिट हो गई, ये वाली यूनिट हो गई सीजीएस यूनिट, क्या हो गई, सीजीएस यूनिट। बात समझ में आया, तो इस तरह की यूनिट्स, यूनिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर एक चीज आती है इसमें, वाट आर, क्या आती है, वाट आर, भाई इसको तुम्हें समझना बहुत ही बड़ी चीज है। ये दोनों, ये मैंने तुमको यहाँ पे जो दोनों क्वांटिटी बताई है, जूल और अर्ग, ये दोनों स्मॉलर यूनिट है, कैसी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। अब इसकी बिगर यूनिट क्या होगी, तो इसकी बिगर यूनिट होगी किलो वाट, क्या होगी, किलो वाट। अगर मैं इसके बिगर यूनिट की बात करूं, बिगर यूनिट, तो बिगर यूनिट क्या हो जाएगी, किलो वाट, क्या हो जाती है, किलो वाट। बात समझ में आया, एक किलो वाट बराबर कितने वाट होता है, अगर मैं आपसे पूछ दूं बेसिक सा क्वेश्चन, बच्चे बच्चे को पता होगा, एक किलो वाट इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट, कितने वाट, ठीक है।
तो आई थिंक कोई कमेंट वमेंट आ नहीं रहा है भैया। 1 किलो वाट में कितने वाट, किसी को पता है? हमें तो लग रहा था सबको पता है। 1 किलो वाट में कितने वाट होंगे आप ही बताएंगे, ठीक है? आराम से किताब विताब देख लीजिए, देखने के बाद बता दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप देख तो रहे ही हैं। इधर देखो, अगली चीज क्या आती है? वॉट आर। क्या आती है? वॉट आर। वॉट आर, वॉट आर क्या होता है ना? वॉट आर ये क्या होता है? देखो, 1 वॉट आर इज इक्वल टू 1 वॉट आर इज द एनर्जी स्पेंड टू डू एनर्जी स्पेंड बाय अ सोर्स ऑफ पावर इन 1 वॉट। यानी कि 1 वॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वॉट आर को हम क्या है ना, या वाट आर को हम क्या लिख सकते हैं? वाट इंटू आर। यानी 1 वॉट काम किया, वो भी कितनी देर में? 1 आर में। तो उसे ही क्या बोल देंगे? वॉट आर। बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना? जो यहाँ पे है वो मुझे कल बताएंगे, और जो YouTube पे इस वीडियो को देखेंगे वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1 वॉट आर इज इक्वल टू 1 वॉट आर में कितने किलो जूल होंगे। 1 वॉट आर में हाउ मच किलो जूल, कितने किलो जूल होंगे? इस वीडियो को जो लोग भी YouTube पे देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे इसका आंसर, ठीक है? मैं चेक करूंगा वो किसने किसने किया और किसने किसने नहीं किया है। क्लियर? बात समझ में आई? इसे आपको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, ये आपकी अटक है, ये मेरी अटक नहीं है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आते ही बता दूंगा कि कैसे निकलेगी, ठीक है भाई? पता है आप लोगों के पास बुक खुली हुई है, टेंशन ना लो, ठीक? इधर देखो अगला क्या है, ठीक? तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया आप ये तो हमको बता दिए हैं कि क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो वॉट के इक्वल होती है, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमारे सामने एक चीज और सुनी हुई आती है, कैलोरी। कैलोरी कैलोरी किसकी यूनिट होती है? कैलोरी कैलोरी यूनिट किसकी होती है? अभी सुना है कैलोरी के बारे में? कैलोरी किसकी यूनिट होती है भैया, बताया किसी ने? किसी ने बताया है हीट की होती है। बहुत अच्छे, हीट की होती है। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? हीट की होती है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कैलोरी हीट की यूनिट होती है, ठीक है? अब देखो, तो अब बात आती है कि भैया हीट हीट भी तो एनर्जी है, उसे भी तो हम लोग हीट एनर्जी के नाम से पढ़ते हैं, है ना? तो हीट एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है, तो कोई उसका अलग फॉर्मूला होता है, अलग कोई चीज होती है ना? क्या होता है उसके बारे में, ठीक? क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में, है ना? तो देखो, अगर हम बात करते हैं कैलोरी की, किसकी बात करते हैं? कैलोरी की। तो कैलोरी की डेफिनेशन भी जान लो आप लोग एक ही बार में फटाक से। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी है ना, देखो कैलोरी होता है, कैलोरी की जो है डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? कि 1 कैलोरी जो हीट है ना, 1 कैलोरी हीट वो हीट है जिसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर, क्या लेंगे? 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम क्या ले लें, अगर बात करें किसकी, 1 कैलोरी की, 1 कैलोरी कितना होता है, सुनो, 1 कैलोरी कितना होता है अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ वाटर की, किसकी? 1 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास में क्या है? 1 ग्राम ऑफ वाटर है। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर, अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 14, देखो कहाँ से, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी जितने जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। बात समझ में आया? जितने जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ? बात समझ में आ गई? समझे? यानी कुल मिला के ऐसे देसी भाषा में अगर समझो कि कैसे निकाला होगा किसी ने, तो एक कटोरी किसी एक इस तरह के स्टैंडर्ड बर्तन में ले लिया होगा 1 ग्राम पानी, और 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर क्या किया होगा? राइज करना चालू करो, थर्मामीटर डाले रहो, है ना? 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिख रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना चीज की, जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोल देंगे? उसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे?
उस चीज को बोल देंगे कैलोरी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ टर्मिनोलॉजी, मतलब एक चीज है जो तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो, अगर मैं बात करता हूँ 1 जूल की, किसकी? 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 0.24 कैलोरी। ठीक, ये क्या टर्म है? देखो, ये टर्म जनरली किसी को याद नहीं होती है। तुम लोगों को कौन सी टर्म याद होती है? मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को याद होती है 1 कैलोरी इज इक्वल टू, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, 4.18 जूल। ये बात सभी को याद रहती है। बात समझ में आया? तो देखो, यहां से एक टर्म साफ झलक के आ रही है। क्या झलक के आ रही है? इधर क्या लिखा है? जूल। इधर क्या लिखा है? कैलोरी। जूल और कैलोरी दो अलग अलग चीज है ना। ये हीट एनर्जी की यूनिट है, ये वर्क की यूनिट है। जब भी किसी वर्क को 4.18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही क्या बन जाएगा? हीट एनर्जी। और 4.18 है क्या? ये एक नंबर है। क्या है? ये नंबर है। तो नंबर होने की वजह से किसी उसकी कोई फॉर्म में चेंज करेगा? नहीं करेगा। इसका खुद का कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। तो फिर बस एक 4.18 से गुणा करने के बाद क्या कर देते हैं? इसका एक नाम बदल देते हैं बस। बाकी सारे सारे फीचर्स क्या हैं? वही हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, तो यहां तक मैंने जो आज तुम लोगों को पढ़ाया वो सबकी समझ में आ गया है ना? तो अब इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे। ठीक, इसके आगे की बात क्या करेंगे? कल करेंगे। ठीक है, तो और बाकी जो भी लोग इस तरह के लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं वो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, और हमारी वेबसाइट से भी जा करके हमें क्या कर सकते हैं? वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग भी अगर कोई इस तरह के क्लास सेशन में जुड़ना चाहता है तो उससे क्या कर सकते हैं? ये सारी वीडियोज शेयर कर सकते हैं। डेमो वीडियोज उस वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं, बाकी यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ दिन में देखो अगर हो सकता है तो हम लोग इस पर भी कुछ पब्लिक लाइव सेशन करेंगे, मतलब कि फ्री टू ऑल, सभी के लिए इस पर भी क्या कर देंगे? लाइव सेशन ऑन कर देंगे, जिसमें कोई भी आगे क्या करेगा? क्लास ले सकता है। लेकिन भाई वही लेगा इसको रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे ही कोई अनाप शनाप आगे क्लास नहीं लेगा। ठीक है, बात समझ में आया? बाकी ध्यान रखिए अपना, है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बाय।